तो गुड मॉर्निंग सारे ही मेरे दोस्तों को। तो जय माता की, आज मुझे वैष्णो देवी धाम जाने का सौभाग्य पैदा हुआ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी इस जर्नी से, क्योंकि आज मैं अपने यानी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो अभी जिस ट्रेन में मेरा टिकट है वो है, तो अब मैं उस ट्रेन में आज सफ़र करूँगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और ये देखिए वंदे भारत, तो आज मेरी जर्नी रहेगी वंदे भारत में और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार फास्टेस्ट ट्रेन में बैठ रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मैं आप बने रहिए मेरी मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में मेरे साथ, तो आपको भी मैं दर्शन कराऊँगा माता वैष्णो देवी धाम के और वंदे भारत ट्रेन का पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल मेंटेनेंस इंजीनियर जुगाड़ को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलते हैं, लेट्स गो। अब मैं अभी रिसेंटली खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से ये 6 बजे इसका चलने का टाइम है, 22439 ट्रेन संख्या वंदे भारत। और नई दिल्ली से चलने के बाद 6 बजे चलने के बाद ये पूरे 2 बजे कटरा में पहुंचा देती है ट्रेन। और ये मेरा सफ़र रहेगा 655 किलोमीटर, जो कि यहाँ से चलने के बाद ये ट्रेन 2 घंटे के बाद अम्बाला कैंट रुकेगी, अम्बाला कैंट के बाद उसके बाद ये रुकेगी लुधियाना, लुधियाना के बाद जम्मू, जम्मू के बाद और सीधा कटरा। ये राइट 2 बजे कटरा पहुँच जाती है और उसके बाद आगे का जो भी कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में और मेरे ब्लॉग के अंदर। और चलो आप मेरे साथ अब करते हैं वंदे भारत ट्रेन की यात्रा, तो चलते हैं अंदर। तो एंट्री के साथ ही बिल्कुल ये टॉयलेट है, टॉयलेट में आपको ये यहाँ पे सोप डिस्पेंसर मिलेगा और सोप डिस्पेंसर के साथ ही वॉश बेसिन है, हैंड वॉश बेसिन, यहाँ पे आप हाथ वगैरह वॉश कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे लाइट का ये स्विच है ऑन ऑफ लाइट करने के लिए, वो शॉकेट दिया गया है। ये सामने मेयर भी काफ़ी अच्छा साफ सुथरा मेयर था। और छत के ऊपर ये स्मोक डिटेक्टर, यहाँ पे अगर स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ ये गाइडलाइन है बायो टॉयलेट की जो लिखी गई है, इसमें बताया गया है कि बोतल वगैरह इसमें डिस्पोजल नहीं करनी है। और ये फ्लैश बटन दिया गया है बायो टॉयलेट के लिए, और ये बटन दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो कि पानी आता है, पानी आने के बाद ये 1-30 सेकेंड के बाद ऐटोमेटिक ही जो भी वाटर होता है या टॉयलेट होता है उसको वैक्यूम सकिंग करता है। वैक्यूम सक करने के साथ ये सारा जो वाटर है या वेस्ट है या वो जो भी कुछ है वो टॉयलेट के एक नीचे एक टैंक में जाता है और टैंक लास्ट डेस्टिनेशन पे वो एम्प्टी किया जाता है। और ये हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए। और यहाँ पे है डस्टबिन, ये यहाँ पे डिजिटल कैमरा दिया गया है जिससे रिकॉर्डिंग होती है। और साथ में ये एक एमरजेंसी कॉल करने के लिए पायलट के साथ बात करने के लिए दिया गया है। स्टील वाला बटन दबाने के बाद अपनी बात आप पायलट को बता सकते हैं और पायलट की बात सुनने के लिए यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। और उसके साथ ही ये कोच में जाने के लिए ऑटोमेटिक डोर दिया गया है जो एक सेंसर की सहायता से काम करता है। जैसे ही आप इसके पास आओगे ये ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा। ले भाई मिठा मुंह करो, तुसी पहली बार वंदे भारत बैठे। चक्क पॉइंट के लिए आपने परेशान नहीं होना है। तो कुछ लोगों को अगर समझ में आए कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, तो वही इस ट्रेन के अंदर जो चार्जिंग पॉइंट है वो बहुत ही सीक्रेट जगह पे है। तो ढूंढने में हमें थोड़ा वक्त लगा लेकिन मिला, तो हम भी आपको बताते हैं कि वो चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो देखिए जो आपकी जो चेयर है ना, चेयर के नीचे चार्जिंग पॉइंट है दोस्तों। ये इसलिए यूज़ किया गया है कि जो आपकी
केबल है चार्जर की, जो चार्जर की केबल है वो छोटी ना पड़े, और इसीलिए वो सीट के पास दिया गया है। और जबकि वहाँ चार्जर लगाने के बाद आप फोन हाथ में पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। बैठने के लिए काफ़ी बेटर स्पेस है दोस्तों। देखिए जैसे कि अभी मैं चेयर के ऊपर बैठ गया हूँ, अभी जो सीसी है यानी कार चेयर है वो पीछे की तरफ टिल्ट नहीं होती है, और जो ईसी है जो इकोनॉमिक चेयर है वो पीछे के लिए टिल्ट हो जाती है। चेयर काफ़ी अच्छी है, सब साफ सफाई ट्रेन के अंदर बहुत ही बेटर है। दोनों चेयर्स के बीच जो का डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है, इससे कंफर्टेबल आप पैर वगैरह रख सकते हो। बैठने में कोई मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आएगी, और ये शूज़ होल्डर दिया हुआ है, अगर आप नीचे पैर नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऊपर रख सकते हैं। ये आपको वाटर बोतल के लिए एक जगह दी गई है, और यहाँ पे आप अपना कोई मोबाइल वगैरह भी डाल सकते हो या कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको खाने के लिए ये एक स्टैंड दिया गया है, काफ़ी हैवी स्टैंड है, ये देखिए काफ़ी हैवी स्टैंड है, प्लास्टिक का स्टैंड है, इसमें मेटल विद प्लास्टिक मेटल यूज़ किया गया है। और न्यूज़पेपर हर एक सीट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। आज का ये न्यूज़पेपर है, जैसे कि अभी मैं डेट दिखाता हूँ आपको। मेरे साथ मेरी यात्रा के अंदर हैं मेरे भाई करण हीर, तो करण, और ये मेरे मामा जी मोनू और संदीप, और परली तरफ अश्विनी, और ये पांच कैंडिडेट चले हुए हैं माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अच्छी तरीके से दर्शन करवाएंगे। जलपुड़ी है तो अभी पहली, और राइट टाइम ये देखिए बिल्कुल राइट टाइम 6 बजे ट्रेन का राइट टाइम, यहाँ से ये अभी नई दिल्ली से चल चुकी है। और अभी अगला जो स्टॉपेज इसका रहेगा वो है अंबाला कैंट, मैंने पहले भी आपको बताया। तो दोस्तों जैसा कि अभी एक फीचर और मैंने जो अभी रिसेंटली चेक किया वो ये है कि देखिए जैसे कि बाहर आपको आंखों में चोट पड़ रहा है, जब अभी बाहर का सिस्टम देखा है तो एक कटर की देखिए सुविधा दी हुई है, आप एक कटर को नीचे डाउन कर सकते हैं, इसमें आपको इतना बोल रहा हूँ बढ़िया हैवर की एक जाली थी। तो भाई सुबह का नाश्ता अभी आ चुका है, इसमें मुझे ये बिस्किट मिला है, और साथ में एक ये सॉस है मसाला चाय, तो चाय के साथ बिस्किट है। तो दोस्तों अब नाश्ता करते हैं हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। शीशे नहीं बाहर ही कड़न लगा पानी ठंडा हो गया फिर स्वाद नहीं लगनी। बन पा
सही गल है। और क्या ना ना, वो सारे इकट्ठे हो गए ना तो बच्चा थोड़ा ज्यादा घबरा रहा है। और क्या भी क्या क्या हो गया सही बात सही बात। हाँ राइट राइट जे कि कुंदी पर गिर जाता मेरा टूर खराब करके रखता तू मैं डाल दूंगा। हाँ जी हाँ अंकल बोलिए। हाँ जो पेपर दिया गया है हम हिंदुस्तान में रहते हैं हाँ जी और हमारे वंदे भारत नाम से ट्रेन चल रही है हाँ जी इसके अंदर पेपर हिंदी में होना चाहिए राइट आपकी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ आईआरसीटीसी को हमारा भारत होना चाहिए इंडियन रेलवे को हमारी लैंग्वेज जो है हाँ वो हिंदी है। हाँ जी अंकल जी का सुझाव बिल्कुल सही है। आईआरसीटीसी को इंडियन रेलवे को सोचना चाहिए कि जो न्यूज़पेपर है वो यहाँ पे हिंदी ही इंस्टॉल करे ताकि ज्यादातर लोग उसे पढ़ सकें। अब ये किसी काम का नहीं है। इंग्लिश बहुत कम पढ़ी जाती है और हिंदी ज्यादा पढ़ी जाती है तो हिंदी पेपर। तो ये है वो नाश्ते की थाली देखिए इसमें मुझे दही मिला है मदर डेयरी का और छोले भटूरे हैं इसमें दो पीस छोले भटूरे और बैच कैटलेस दो पीस बैच कैटलेस है और एक पफ केक है और सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर भी दिया हुआ है अभी कोविड की वजह से और ये टमाटर सॉस और काली मिर्च पाउडर और एक सैंडविच। तो ये है नाश्ता। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे और क्या कुछ मिलेगा। टेस्ट कर रहा हूँ छोले भटूरे अभी बताता हूँ आपको इसका रिव्यू कैसे हैं। छोले भटूरे एक नंबर और दूसरा है ये कटलेट। इसको टेस्ट करता हूँ। कुछ हद तक सही है। बोलो सही आ गई दोस्तों। एक और जानकारी आपके लिए। अच्छा। जानकारी ये है कि देखिए कई बार हम क्या करते हैं जो वाटर बोतल लेते हैं वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कोई भी से उठा के कहीं से भी पानी भर के लॉक लगा के आपको दे सकते हैं। ये ऐसे करते हैं कि उठा के पानी भर के ढक्कन लगाया और इसको यहाँ से ऐसे से घुमा के लॉक लगा देते हैं। तो इसको कभी भी आपको ऐसे नहीं फेंकना है। ढक्कन को खोलना है ढक्कन को हल्का दबाना है। दबाने के बाद ढक्कन को इसके अंदर आप एक इस तरीके से डिस्पोजल कर देना है इसको। अब ये ढक्कन नहीं निकलेगा और ना ही दोबारा इसमें पानी भरा जाएगा। चलो जी कौन सा है।
इंजन इधर है अगे लास्ट तो चलिए जमें डेड है और एक इन्ना होल कटिया सामने पटरी दी थी सारी जाने सलाह है मेरी वो देखने ओ, मेरे दोस्तों और अभी एक बज गया है और लंच मिल गया है हमें, लंच आ गया है ट्रेन में। तो अभी इन्होंने लंच में काफ़ी कुछ दिया है, एक दो तीन तीन सब्जी हैं, रोटी हैं, चावल है, अचार है, दही है और सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र दिया है और एक चम्मच है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है, तो टेस्ट भी करके बताएंगे हम। ये देखिए चावल और दाल और मटर पनीर मिक्स वेज और मटर पनीर और ये मिक्स वेज। तो बाकी अभी अभी टेस्ट के बाद हम इसका रिव्यू करके बताते हैं आपको। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, ट्रेन राइट 2 बजे माता वैष्णो धाम कटरा पहुंच गई है। तो अब हम यहां से ट्रेन को अलविदा कहेंगे और आगे की जो भी एक्टिविटी होगी मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो अब हम वैष्णो देवी धाम स्टेशन पे उतर चुके हैं और ये ट्रेन अब यहाँ से ये दोबारा वापस फिर दिल्ली के लिए 3 बजे रवाना होगी, जो कि 11 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुँच जाएगी। और अब इसके आगे हम अभी स्टेशन पे हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे हमने यहाँ पे रूम लिया था, तो अभी हम रूम से अभी के 8:30 हो गए, अभी रूम से हम निकल रहे हैं माता वैष्णो धाम ऊपर के लिए चढ़ाई करने के लिए। तो हम कटरा में हमने रूम लिया था भाई, तो रूम कुछ हद तक मुझे बहुत सही लगा क्योंकि मैंने सिर्फ 500 रुपये में एक लॉकर सिस्टम के हिसाब से रूम लिया और उसमें हमें भाई साहब ने 3 बेड 2 बेड एक और एक बेड वो पीछे और टेबल चेयर बैठने के लिए और नहाने के लिए बाथरूम प्रोवाइड था 500 रुपये के अंदर। और ये हमने 4 घंटों के लिए लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये बैग रिसेप्शन पे जमा करा के हम ऊपर निकल जाएंगे। तो भाई जो भी भाई आप आना चाहता हो तो रूम आप सर्च करके और अच्छा रूम ले सकते हैं, 400-500 में लोकर बढ़िया मिल जाते हैं। और चढ़ाई करने से पहले मेरे हिसाब से रूम ना लेके पहले लोकर ही ले जाए और रात को चढ़ाई किए जाए तो बेटर है, और मॉर्निंग आने के बाद रूम लिया जाए। हेलो, मेरी सुन, क्या नाम है? संदीप संदीप
ਓਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੈਟ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਵਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਵਾ ਤਵਾ ਖਾਣੀ ਤਵਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਵਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਫੂਡ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਫੂਡ ਕੋਲ ਤਵਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਸੀ और नहीं ना ये पूजा फूड के पास नहीं है ना तीन के पास तंदूरी मिलेगी तंदूरी मिलेगी ना चल भाई थैंक यू और इधर पहला हाँ पहला ये सागर वाला इसके पास ही खाई थी हमने और यहाँ पे हम सागर रेस्टोरेंट के ऊपर आए थे। यहाँ पे तवा रोटी मिल जाती है और सब्जी भी अच्छी मिलती है और साफ़ सफाई भी अच्छी है, ज़्यादा रश नहीं है। तो ये गली के अंदर है, तो आप कहीं से भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमें सागर रेस्टोरेंट पे जाना है, तो आपको वो रास्ता गाइड कर लेगा। और आप मेरी माने तो सागर रेस्टोरेंट के ऊपर ही खाना खाएँ, ये बहुत अच्छी सर्विस भी बहुत अच्छी है इनकी। ये हमें वंदे भारत से हमने वाटर बोतल मिली थी, तो इसकी जो सील थी जो पहले से ओपन थी, तो जब हमने ये बोतल मिली थी तब हमने ये सील के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमें ये सील ध्यान में आई थी और इसके ऊपर एक बार लेवल अटैच किया हुआ था लेकिन सील टूटी हुई थी। तो मेरी सभी दोस्तों से यही हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी कोई रेलवे की वहाँ पे पानी की बोतल लो, कहीं भी पानी की बोतल लो, तो पहले सील को चेक कर लो कहीं वो टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि उसमें आरओ वाटर नहीं कोई और वाटर डाला हुआ था। हाँ किन्ने है गुंजाइश है गुंजाइश मैं पीना आओ कुंदी अगे नो कुंदी अगे नो पैसे कट पैसे निकल गए दूध किन्ने का जी हाय फैमिली हाय फैमिली अभी हमने दूध पिया कढ़ाई वाला जिसमें बादाम केसर काढ़े हुए थे और हम ये देखो हम इस टाइम सुहारा खा रहे हैं वो भूली गए दोनों ही संदीप एक बार वो भी आई हो ना तेल मालिश 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 तेल तेल मालिश नहीं आना मैंने बोला वो भी दे दिया बोलो पिलाजिए जय माता दी हाय फैमिली अब हम जा रहे हैं भवन की तरफ जो कि चढ़ाई हमारी सुबह को क्लियर होगी पहले आएगा बाणगंगा फिर चरण पादुका फिर उसके बाद अर्ध कुमारी और उसके ऊपर भवन तो टाइम लगेगा कम से कम भी हमें 8 से 10 घंटे तो हमने 9 बजे चढ़ाई स्टार्ट करी है खाना खुना नीचे हम खाए आए थे अब ऊपर देखेंगे हल्का फुल्का जो खाना होगा हम खा लेंगे तो जैसे कि हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हमारा जो पहला पड़ाव है बाणगंगा तो ये बाणगंगा द्वार है यहाँ से आगे चेकिंग करवाने के बाद यात्रा पर्ची दिखाने के बाद एंट्री मिलती है एंट्री के बाद हम इस रास्ते के थ्रू फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे तो वो वहाँ तक जाना है माता का दरबार वहाँ ऊपर है भवन है ना और अब बाणगंगा पे हम चेकिंग करवाते हैं
चेकिंग करवाने के बाद आगे आगे की यात्रा शुरू करते हैं। लो जी, पहली पौड़ियां स्टार्ट, यहां से 425 सीढ़ियां हैं जो सीधी चरण पादुका मंदिर के पास पहुंचा देंगे। चलो भाई। हाँ भाई, जिड्डा वर्जी नुकसान हो जावे ये सोचना भी नाम जी का लाना होना है। हूं सोच तू नाम जी का लाना कुंदू का ला दो तो जय माता की। ये है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। यहाँ पे मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी ऊपर को जा रही थी तो भैरव जब पीछे आ रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के जब यहाँ देखा था तो यहाँ उनके चरण के निशान है। इस मंदिर पे दर्शन करने के बाद ही आप ऊपर जाएं और आपकी यात्रा सफल रहेगी। कटरा शहर का ये नज़ारा ऊपर की तरफ से, ये नाइट का व्यू है जब लाइट ही लाइट जगी हुई है, कितना जगमगा रहा है ये कटरा शहर। रेस्ट करते हुए तो दोस्तों अभी रात के 12 बजे हुए थे और हम अर्धकुमारी मंदिर पे पहुंच गए थे पैदल यात्रा करके। तो ये नज़ारा जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अर्धकुमारी मंदिर का है। ये पीछे मंदिर है और यहाँ से दो रास्ते माता वैष्णो देवी भवन के लिए जाते हैं। एक हाथी मत्थर मार्ग है जो 6.5 किलोमीटर का है और दूसरा ये वाला रास्ता है जो भवन के लिए जाता है, ये 5.5 किलोमीटर का है। और यहाँ से इस रास्ते से आप टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो। यहाँ से आप टैक्सी अगर बैटरी कार से जाना चाहो तो 150 रुपये किराया है और पैदल आगे जाना है तो आपको आराम से, ये चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है, थोड़ा नॉर्मल रास्ता है और अच्छा रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है। दूसरा रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला, ज़्यादा बल्ले बल्ले हुई है। चलो नहीं तो ज्यादा है, वो ज्यादा है, लंबी ज्यादा है, हाँ चौड़ी इन्नी है। दोस्तों ये इस पिलर के ऊपर जो ये स्प्रिंग ऑरेंज रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसलिए दिए गए हैं अगर लैंडस्लिप होता है तो ऊपर जो छत टीम के ऊपर गिरे तो उसके बाद ये जंप करके नीचे सीधा खाई में जाए, किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों अभी मैं जम्मू कटरा श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन पे हूँ और अभी ये सामने आपको मैं त्रिकुट पर्वत दिखा रहा हूँ। ये त्रिकुट पर्वत है और ये स्टेशन है जम्मू का। अभी मेरी यात्रा कंप्लीट हो
चुकी है और मेरी यहाँ से 2:05 ट्रेन है जम्मू मेल, तो जम्मू मेल ट्रेन में मैं जाऊँगा। आगे का रिव्यू मैं ट्रेन के अंदर आपको देता हूँ। जय माता की। तो जैसे कि मेरी यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, अब मेरी ट्रेन दिल्ली के लिए जम्मू मेल निकल चुकी है और पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया संदीप कुमार, करण, मोनू और अश्विनी ने, और बाकी आप सभी वीडियो में पूरी यात्रा को अच्छे तरीके से देख सकते हो, मैंने वीडियो में डाल दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल मेंटेनेंस इंजीनियर जुगाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिले।